हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमको चोर कहा जाता है, इसका सही जांच होना चाहिए। हमको बिजली चार मशीन चार्ज करने के लिए हमको बिजली मुफ्त नहीं दिया जाता है। डीलर को प्रत्येक माह 40,000 मानदेय दिया जाए। डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद करके आज हम लोग झारखंड प्रदेश के तमाम डीलर बंधु एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं। पहला मांग है कि झारखंड प्रदेश में 26,000 डीलर कार्यरत हैं, अगर किसी भी डीलर का मृत्यु हो जाता है तो उनका वंशज को, उनका परिवार को तो अनुकंपा के आधार पर दुकान मिलना चाहिए। दूसरा है कि उम्र सीमा समाप्त किया जाए। तीसरा है कि डीलर को प्रत्येक माह 40,000 मानदेय दिया जाए। चौथा मांग है 2G ईपोस मशीन में जो लगा हुआ है उसको समाप्त कर 4G ईपोस मशीन दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हम लोगों ने राजभवन के समक्ष धरना दिए हैं। अगर हम लोग का मांग को सरकार नहीं सुनती है, अगर आनाकानी करती है, तो निश्चित रूप से हम लोग एक महीना का अल्टीमेटम दे रहे हैं, और नहीं तो इससे हम लोग बृहद पैमाने पर झारखंड प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, और डीलर के साथ साथ डीलर का पूरे परिवार को रोड में ला करके हम लोग प्रखंड से लेकर सदन और सदन से लेकर संसद तक में लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होते तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। सजाद अंसारी, PDS डीलर संघ, कांके प्रखंड, सचिव। रजिस्टर रखने की बात कर रहे हैं तो जब ऑनलाइन के माध्यम से सारी रिपोर्ट आपके पास चल जाता है तो ऑफलाइन रखने का क्या जरूरत है? ऑफलाइन का मतलब है गरीबों का शोषण करना, पदाधिकारी और दुकान में जाके ये नहीं है वो नहीं करके दुकानदार को तंतवा करते हैं और आर्थिक और मानसिक शोषण करते हैं। चौथा मार्ग है कि कोविड अवधि में भी हम लोग गरीबों का हाथ पकड़ कर पॉस मशीन में अंगूठी लगाए, बहुत सारा दुकानदार का ध्यान हो गया, लेकिन सरकार ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। किसी से बात हुई आपकी? कौन-कौन लाइसेंस मिला? हम दूसरा प्रांतों में जो कोरोना के अवधि में जिस दुकानदार का मृत्यु हुआ है उसको मुआवजा दिया, लेकिन झारखंड में नहीं। अच्छा, हम लोग का मांग है उसको भी मिलना चाहिए। किसी से बात हुई इसको लेकर आप लोग की? हम लोग तो मेमोरेंडम हर जगह दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री को दिए हैं, विभागीय मंत्री को दिए हैं, विभाग के सचिव को दिए हैं, DC को दिए हैं, जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को इससे संबंधित मांग पत्र दिए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमको चोर कहा जाता है, इसका सही जांच होना चाहिए। दिल्ली से चला 50 किलो, रांची में आके हो गया 52 किलो, दुकान में चला गया हो गया 46 किलो। ये जो बीच में घोटाला हो रहा है, यानी हिंदुस्तान भर में जो घोटाला हो रहा है, इस घोटाला का या उच्च स्तरीय जाँच या CBI से जाँच होना चाहिए। हमारे पास वो चीज है, आज सरकार हमको हर चीज से देखता है। हमें अपना घर दुकान बनाए, उस घर का हमको आज तक एक पैसा नहीं मिलता है। हमको बिजली चार्ज मशीन चार्ज करने के लिए हमको बिजली मुफ्त नहीं दिया जाता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।